और कैसा लग रहा है 9th में आके? उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपनी 8वीं की सारी किताबें रद्दी में बेच दी होंगी और उनसे जो 10-20 रुपए मिले होंगे उनका समोसा या सोम पापड़ी खा लिया होगा। आज के चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। जिसने ये कहानी लिखी है वो महान इंसान का नाम है मुल्क राज आनंद। जो लोग यह सोच रहे हैं कि इस चैप्टर में किसी बच्चे की किडनैपिंग की कहानी है तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यह कहानी है एक बच्चे की जो अपने मम्मी पापा के साथ स्प्रिंग फेस्टिवल में मेला देखने जा रहा है। मेला देखने की खुशी में वह खूब मज़े ले रहा है और इधर उधर उछल रहा है। तभी रास्ते में चलते हुए उसे एक टॉय शॉप दिखती है, जिसे देखते ही वह बच्चा अपने मम्मी पापा से खिलौना लेने की जिद करता है। वो अलग बात है कि उसे जवाब पहले से पता था। उसके पापा अपनी पुरानी अंदाज में उसे गुस्से से देखते हैं और फिर वह बेचारा बच्चा चुपचाप उनके साथ आगे बढ़ने लगता है। वैसे एक बात बोलूं, अगर उस बच्चे की जगह मैं होता ना तो तुरंत ज़मीन पर लेटकर जोर जोर से रोने लग जाता या फिर खिलौने उठाकर कहीं भाग जाता। फिर तो पापा जी को पैसे देने ही पड़ते। मगर आप क्या करते? अगर आप उस बच्चे के जगह पर होते तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। खैर छोड़ो, वापस कहानी पे आते हैं। थोड़ी दूर जाकर उसे ड्रैगन फ्लाइज, कीड़े और अर्थवाम दिखते हैं जो उसी की तरह धूप की मज़े ले रहे थे। फिर उसको एक बनियन ट्री दिखता है जिसके चारों तरफ वह चक्कर लगाना चालू कर देता है। थोड़ा आगे चलकर वह मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के खेत से गुजरता है और मेले में पहुंच जाता है। मेला देखते ही वह बच्चा काफ़ी खुश हो जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है उसे एक हलवाई की दुकान दिखती है जहाँ पे बहुत भीड़ थी और मिठाई देखते ही उसके मुंह में पानी आने लगता है। फिर वो धीरे से कुछ बड़बड़ाता है, मुझे बर्फ़ी चाहिए, क्योंकि बर्फ़ी उसकी फेवरेट मिठाई थी। पर कहीं ना कहीं वो जानता था कि उसके मम्मी पापा मना ही करेंगे, इसलिए बिना किसी जवाब के वह आगे चलने लगता है। और फिर कुछ दूरी पर उसे फ्लावर्स और बैलून दिखाई देते हैं, पर वह बिना कुछ बोले बस चलने लगता है। अब तक तो तुम समझ ही गए होगे कि वह बच्चा कोई चीज़ खरीदने की जिद क्यों नहीं करता, क्योंकि उसे पहले से ही पता है कि अगर वह पूछा तो मम्मी पापा वही सड़ी सी शक्ल बनाकर मना कर देंगे। फिर आगे चलकर उसे एक स्नेक चार्मर यानी एक सपेरा दिखाई देता है, जिसके धुन को सुनकर वह बच्चा उसके तरफ खींचा चला जाता है। परंतु ऐसा घटिया धुन सुनने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया था। फिर वह आगे चलने लगता है। अब उसे एक राउंड अबाउट यानी एक झूला दिखाई देता है जिसमें लोग बैठकर खूब मज़े ले रहे थे। यहाँ बेचारे बच्चे का मन पिघल जाता है और बहुत हिम्मत करके अपने मम्मी पापा से झूला झूलने के लिए बोलता है, परंतु उस बेचारे बच्चे को कोई जवाब ही नहीं मिलता। फिर वह जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है उसके मम्मी पापा वहाँ पे थे ही नहीं। वो बच्चा चारों तरफ देखता है मगर उसके पेरेंट्स उसे कहीं दिखाई नहीं देते। तब उसको महसूस होता है कि वह बच्चा भीड़ में कहीं खो गया है। फिर वह एक मंदिर की तरफ भागा जहाँ लोग जा रहे थे। उसने बहुत कोशिश की अपने माँ बाप को ढूंढने की, पर उसके मम्मी पापा कहीं नहीं मिले।
फिर वह बच्चा मंदिर के कोने में बैठकर रोने लगा। तभी एक आदमी भीड़ में से उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए बच्चा। बच्चा और भी ज़ोर से रोने लगता है और चिल्लाता है, मुझे मम्मा पापा चाहिए। उस बच्चे को चुप कराने के लिए वह आदमी पूछता है कि क्या तुम झूला झूलोगे। फिर वह बच्चा नाक पोंछते हुए कहता है, मुझे मम्मी पापा चाहिए। वह नेक इंसान बहुत कोशिश करता है उसे बच्चे को शांत कराने के लिए। उसको बलून और मिठाइयाँ की शॉप पे भी ले जाता है, पर वह बच्चा फिर से अपनी नाक पोंछते हुए बोलता है, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। बहुत कोशिश करने के बाद भी अब उसे ना तो झूला झूलना था और ना ही सपेरे को देखना था, ना ही मिठाइयाँ खानी थी और ना ही बलून चाहिए थे, ना ही कोई खिलौना। अब उसे अपनी मम्मी पापा चाहिए थे। बहुत कोशिश के बाद भी उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिलते। और इसी के साथ ही यह कहानी भी समाप्त होती है। यार बड़ी सैड एंडिंग है। वैसे एक बात बोलूँ, एक बार मैं भी मेले में खो गया था। तब मैं क्लास फर्स्ट में था, तो जब मुझे महसूस हुआ कि मैं खो गया तो मेरी तो काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। मैं कुछ देर तक तो वहीं खड़ा रहा और मेरा बहुत मन हो रहा था रोने का, लेकिन रोया नहीं, क्योंकि कुछ लड़कियां भी तो थी मेले में और भाई की भी कुछ इज्जत है कि नहीं। फिर मुझे एक पुलिस वाले अंकल दिखे और फिर मैं उनसे डरते हुए बोला कि मैं मेले में खो गया हूँ। फिर उस अंकल ने मेरे पापा का फ़ोन नंबर मुझसे मांगा और मेरे पापा को बुला दिया। अंत में मैंने उस पुलिस वाले अंकल को थैंक यू बोला।